नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। स्तरीय समिति बैठक आज हम हैं यूपी के बस्ती जिले के विकास खंड परसरामपुर में और हम देख रहे हैं यहाँ पर बैठक किया जा रहा है। बैठक के तहत लोगों को बताया जा रहा है, वोट देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत ब्लॉक परसरामपुर से आए हुए तमाम अधिकारीगण हमारे पास मौजूद हैं और आज हम यहां देखेंगे किस तरह का बैठक किया जा रहा है, क्या बैठक किया जा रहा है, इस बैठक में क्या बताया जा रहा है, कैसा इस बैठक में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के माध्यम से हम चल के अधिकारी से जानना चाहेंगे और मिलना चाहेंगे। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ, क्या जागरूकता अभियान पर क्या किया गया। सर कौन बताएं? मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। आपका पद क्या है इसमें? सर मेरा पद अध्यक्ष का है इसमें। जी, मेरे संस्था का नाम है स्वाभियान संकुल स्तरीय समिति, जिसमें मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ। अच्छा, आज यहाँ कितने ग्राम की महिलाएं आई हैं? सर यहाँ 28 ग्राम की महिलाएं आई हुई हैं ग्राम सभा की। और बैठक में क्या किया गया? सर बैठक में जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके बारे में बताया गया कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। जी जी, यहाँ पर कितने अधिकारी आए हैं ब्लॉक से? सर ब्लॉक से अनुभव सर आए हैं। अच्छा, राकेश जी हैं तो मिलना चाहते हैं उनसे। कहाँ हैं सर? आइए, स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर ये बताइए, यहाँ जागरूकता अभियान पर क्या हो किया गया? यहाँ जागरूकता अभियान पे इनको शपथ दिलाया गया दीदी लोग को, जिससे लोग जागरूक हो सकें, मतदान के दिन खुल के जाएँ और लोगों को बताएं कि मतदान करना, अपने मत का क्या महत्व है, लोगों को जागरूक करें, बताएं, यही मेन उद्देश्य। मतलब अपने मत का प्रयोग स्वयं करें और लोगों को जागरूक करें। हाँ, इस बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया, यहाँ पर प्रण दिया गया लोगों को, जो समूह की महिलाएँ होती हैं उनको जागरूक किया जाता है। यहाँ पे सर हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम और जानकारी चाहेंगे। सर ब्लॉक स्तरीय से कितने अधिकारी हैं? ब्लॉक स्तरीय से 2 लोग आए हैं, एक मैं खुद अनुभव सिंह हूँ, BMM हूँ जी, और दूसरा राकेश तिवारी, डाटा ऑपरेटर हमारे। अच्छा सर, तो कितने गांव की महिलाएं हैं यहाँ? 28 ग्राम पंचायत की दीदियाँ हैं जी। और ग्राम संगठन कितना है? 6 ग्राम संगठन CLF में जुड़ा है। अच्छा, और 1 ग्राम संगठन में 7 से 10 समूह तक जो है जुड़ के 1 ग्राम संगठन बनता है, और उसके बाद ऐसे 6 ग्राम संगठन से CLF बना है। अच्छा, यहाँ जो महिलाएं उपस्थित हैं, यहाँ पे जानकारी मिला कि 28 ग्राम सभा से आई हुई दीदी हैं, जो समूह की दीदी होती हैं, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे जागरूकता किया गया। हम दिखाना चाहेंगे, इन लोगों के हाथ में है जन जन की यही पुकार, वोट डालो अबकी बार, मतलब आपको हर जगह वोट देना है, जहाँ भी जिसका भी बूथ रहेगा वहाँ वोट देना है। सभी महिलाओं के हाथ में है, ये अपना दिखा रही हैं सब लोग, इसको भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे रंगोली बनाया गया इनके द्वारा, जो समूह की महिलाएं होती हैं वो बहुत ही जानकार होती हैं और उनको जागरूक किया जाता है, उन्हीं के माध्यम से सभी गांव में जागरूक किया जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इन सब की तस्वीर ली जाए, जिनके हाथ में ये रखा गया है। ये रंगोली का वीडियो बहुत अच्छा है। मारो का मारो। वोट डालो अब की बार, वोट डालो अब की बार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, वोट डालो अब की बार, वोट डालो अब की बार। दूसरा और बोलिए, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा
अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना